हाय गाइस, तो गुड मॉर्निंग, स्वागत है और नई वीडियो में। दोस्तों कैसे हो? आई होप सब बढ़िया हो गए, मस्त हो गए अपनी लाइफ स्टाइल में। मैं भी बढ़िया एकदम मस्त हूँ। और अभी आ चुका हूँ कन्नौज में, जो कि कल रात को आ गया था, तो फिर मैंने यहाँ पे कैंप लगाया था, अभी हटा दिया ये रखे बैग। तो भाई सुबह के 9 बज रहे हैं और धूप देखो भाई साहब कितनी तेज़ हो रखी है। और ये कन्नौज पेट्रोल पंप पार्किंग एरिया है, और ये देख सकते हो इस साइड आपका पेट्रोल पंप है जियो भारत जियो का, तो यहाँ पे आप पेट्रोल डीजल जो भी है आप डलवा सकते हो। और ये सिक्योरिटी गार्ड का रूम है, और ये सप्लाई वाली टंकी है, तो कल रात को इनसे पूछ के फिर मैंने यहाँ पे कैंप लगा लिया था। अब लगी मुझे भूख, तो भूख के लिए फिर यहाँ पे 2-3 स्टोव जल रहे थे, फिर मैं इनके पास आ गया। ये वैसे जा रहे थे अयोध्या, पर ये ओवरलोड माल है तो ये रात को निकलेंगे, तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है खाना तो खा ही सकता हूँ, बोले कि हाँ ज़रूर, तो फिर मैं इनके पास आ गया। अभी देखो ये स्टोव वगैरह जला रहे, रोटी वोटी बना रहे। तो अभी क्या बना रहे आप लोग? रोटी और पूरा पूरा मतलब सारा कुछ इन्होंने मतलब ले रखा है, देख रहे हो पूरा घर। होली नहीं, होली क्या यहीं रोड पे ही अपनी लाइफ यही है यार। तो 24 आवर्स रोड लाइफ में आप सभी का स्वागत है। और ये देखो अभी यहाँ पे खाना बना रहे, तो मैंने कहा इनसे 2 रोटी ले लेता हूँ, तो फिर इन्होंने बोला हाँ ठीक है कोई बात नहीं। और 1-2-3 देख लो, 3 स्टोव जल रहे। और ये डीजल से चलाते हो ना, तो मिट्टी तेल का ख़त्म करो जुगाड़, अब ये लगाओ सही है उस्ताद जी। तो ये देख लो स्टोव अभी भी आपको देखने को मिल जाते हैं यहाँ पे सिर्फ ट्रक ड्राइवर के साथ। बाकी ये अभी खाना बना रहे और यहीं पे मैं खाना खा लूँगा। तो आप सारे राजस्थान से हो? ओके, अलवर। अलवर में भी काफ़ी अच्छी जगह घूमने वाली, चलो नेक्स्ट टाइम आऊँगा। ठीक है बनाओ बना के रखो। अच्छा अच्छा, ये आपकी पूरी फैमिली? तो घर वालों की याद नहीं आती ओके तो भाई अभी यहाँ पे खाना बना रहे, और ये है ट्रक लाइफ, इंडियन ट्रक लाइफ लाइफ स्टाइल। और देख लो फेस्टिवल होता है तो यार उनसे कोई मतलब नहीं, अगर ये रुक जाएगी तो फिर आप फेस्टिवल नहीं मना पाओगे। तो कुछ कुर्बानियाँ हमारे ट्रक ड्राइवर भी देते हैं आपकी खुशी के लिए, तो आप क्या एक सपोर्ट नहीं कर सकते ज़रा सा? सिर्फ उन्हीं की वीडियो देख, नंगी वीडियो को भाई आप लोग सपोर्ट कर सकते हो? यहाँ पे इतनी मेहनत लगती है, मैं भी बाहर रहता हूँ अपने घर से दूर हूँ, और ये भी दूर हैं, तो क्या एक लाइक सपोर्ट नहीं बनता? और ये देखो ये कुछ दिखा रहे उस्ताद, क्या दिखा रहे? टमाटर मिर्चा और ये देखो भाई सलाद के लिए पूरा सारा कुछ रखा हुआ है तो ये पूरा सिस्टम लेके चलते हैं उस्ताद लोग। देसी घी, देसी घी उस्ताद, तो मैं खाया हूँ राजस्थान में। और ये देख लो भाई शुद्ध देसी शाकाहारी खाना रखते हैं सारा कुछ, गांव से लेके आए ये बात ओके तो ये ट्रक लाइफ स्टाइल। तो इनके लिए एक लाइक और एक कमेंट तो करना, कमेंट बनता है ना, बाकी कमेंट करो बताओ कहाँ से हो भाई। अभी खाना वगैरह इनका बन चुका है साल लोगों का, और मैं खाना खा चुका हूँ। तो देखो इन्होंने सलाद भी दिया, फिर मैंने खीरा जो टमाटर था सलाद बना के खाया। ठीक है उस्ताद जी, अभी के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं, तो आप इंजॉय करो। और अभी मैं खाना मैं खा चुका हूँ, अब यहाँ से निकलता हूँ क्योंकि 400 किलोमीटर है, देखता हूँ होगा कि नहीं, कोशिश करूँगा आज पहुँच जाऊँ। एक्सप्रेसवे हाईवे पे आ चुका हूँ, ये कुछ ऐसे नज़ारे हैं रोड के, और यहाँ पे मैं लिफ्ट मांग रहा हूँ, तो देखता हूँ अब कितनी देर में। कानपुर यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं, कन्नौज 500 मीटर है, देख लो बनारस जा रहा हूँ। फाइनली 1 घंटे बाद मुझे लिफ्ट मिल गई है, और ये उस्ताद जी ने दिया है। सर जी क्या नाम है आपका? सुबीर यादव जी मिल गए हैं हमको, और ये लखनऊ तक का जा रहा है, तो मैं लखनऊ तक की मुझे लिफ्ट मिल गई। ये लखनऊ का टोल प्लाजा है और मैं लखनऊ आ चुका हूँ, और ये देखो भाई नज़ारा गाड़ी का, पीछे से लगता है किसी ने मार ली, और आगे का देख लो, आगे तो सही है कुछ भी नहीं हुआ, पीछे लगा ली ये यहाँ से ठुक गई भाई साहब, ये थे शायद। हाँ और तेरी, इनका तो पूरा ही चला गया, ये देख रहा ये कांड हो गए यार। मेरी शर्ट फट गई, देखो कैसे फटी है, इसके धजियाँ उड़ गई, ये देख रहा हो ये शर्ट है मेरी, इसको फिर जब थोड़ी फटी तो मैंने फिर और फाड़ दिया, धूप में ही फट गई, अब ये इसको यहीं पे छोड़ दिया, एक शर्ट मेरी कम हो गई।
अब यहाँ से लिफ्ट मांग रहा हूँ, 2 घंटे हो गए और अभी तक नहीं मिली लिफ्ट। भाई सेम पोजीशन है जैसे कल, मुझे 5 घंटे बाद लिफ्ट मिली थी, आज भी वैसे ही 5 घंटे बाद लिफ्ट मिली। मैं कंटिन्यू रूम में बैठा रहा और लिफ्ट मांगता रहा, नहीं मिली। बाद में ये राजस्थान से भैया ने लिफ्ट दिया है और अभी 4 बजने वाले हैं, वही टाइम जैसे कल हुआ ऐसे ही आज भी, तो 4 बजने वाले हैं और ये लिफ्ट दिया भैया ने। भैया क्या नाम है आपका? सताराम। तो अभी ये अयोध्या तक का जा रहे हैं, तो लखनऊ एंटर कर चुके हैं। और भाई देखो यहाँ पे होली की दुकान लगी है, रंगों की दुकान लगी हुई है और ये मार्केट है। तो सीधा आ जाओगे अयोध्या और अगर कहीं मुड़ जाओगे तो बाराबंकी पहुँच जाओगे। तो ये देखो नज़ारा, गुलाल से भरी हुई दुकानें मिल रही हैं आपको, जो कि होली का फेस्टिवल है तो आपको देखने को मिलता है मार्केट में, पता लग जाता है। ये देखो भाई बच्चों की पिचकारियाँ वगैरह लगी है। लखनऊ में है, शाम को बज रहे हैं, 6 बजने वाले होंगे और यहाँ पे हम चाय पी रहे हैं और ये उस्ताद जी बोले कि यहाँ पे नाश्ता कर लो फिर आगे खाना खाएंगे। तो ये देखो शाम का टाइम, अच्छा सनसेट कितना गजब का हो रहा है यार, देख रहे हो कितना प्यारा लग रहा है, वाह। लखनऊ में हूँ और यहाँ सनसेट देखो। हमको 7 बज रहे हैं और ये बैठे हमारे भोले बाबा और भाई साहब गाड़ी साफ कर रहे हैं। तो ये देखो उनका टाइम है, तो शीशा वगैरह आप चमका लेंगे ताकि रात में चल सकें। तो ये आने जा रहा हूँ, रात को 8 बज रहे हैं, सुबह से भाई मैंने क्या, आपने देखा ही होगा मैंने क्या क्या खाया, अब ये रात को खाना खाने जा रहा हूँ। तो व्रत रहना एक अलग बात हो गई और बिना खाए स्ट्रगल करना एक बात वो अलग हो गई। तो अभी मैं खाना खाने जा रहा हूँ, बाकी बाद में मिलता हूँ। और ये राजस्थानी ढाबा है तो यहाँ पे थाली चलता है, तो यहाँ पे सारा कुछ मिल जाता है। अयोध्या नगरी में आप सभी का स्वागत है दोस्तों, वेलकम टू अयोध्या पावन नगरी। ये देखो कैसे सजावट की है, ये देखो भाई साहब यहाँ से अयोध्या नगरी का शुरुआत होता है। और ये रहा धनुष, ये है कुछ इस तरीके से नज़ारा रात का, देख सकते हो यहाँ से एक अयोध्या नगरी शुरू होती है। तो एक प्यारा कमेंट करो जय श्री राम। तो गाइस 9:30 हो गए, दिन रात ट्रैवल करता हूँ आपको कुछ यूनिक दिखाने के लिए, 10-10, 12-12 घंटे ट्रैवल करता हूँ और हज़ारों किलोमीटर जाता हूँ, ठीक है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि खाली पेट भी चलना पड़ता है, सही जगह पे 5-5, 4-4 घंटे वेट करना पड़ता है। तो यार इतनी मेहनत कर रहा हूँ, वो तो मैं अपने लिए कर ही रहा हूँ पर आपको कुछ दिखाने के लिए कर रहा हूँ। आप घर बैठे क्या ज़रा सा सपोर्ट नहीं कर सकते, थोड़ा सपोर्ट करो। और फाइनली मैं अयोध्या आ चुका हूँ, तो ये भाई साहब लोगों से मिला हूँ तो इन्होंने फिर मुझे यहीं पे कैंप लगाने के लिए जगह दे दिया है। पेट्रोल पंप सामने है, इधर भी पेट्रोल पंप है, 2-3 पेट्रोल पंप, तो उनसे पूछा था रुकने के लिए तो मना कर दिया। तो फिर मैंने कहा लास्ट उम्मीद बची थी, तो ये भाई साहब लोगों से मिला तो इन्होंने मुझे जगह दे दिया। क्या नाम है आपका? राजकुमार। आपका? अमल। तो ये भाई साहब से मिला तो फिर इन्होंने जगह दी और मैं अयोध्या में आ चुका हूँ। यहाँ से मंदिर कितना दूर होगा? 10 किलोमीटर। तो मंदिर का अगर आपको दर्शन करने हो तो ब्लॉग ऑलरेडी मैंने डाल दिया, देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और हम यहाँ पे आइए देखो, तो आज रात हम यहाँ पे रुकने वाले हैं। थैंक यू भाई, हमने अपना कैंप लगा लिया है और ये देखो हाईवे है, तो हाईवे के जस्ट बगल में हम जुड़े रहते हैं क्योंकि हमें हाईवे से प्यार है। तो अपना यहाँ पे लगा लिया है और आज का व्लॉग यहीं पे कंप्लीट करता हूँ। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। और भाई मच्छरों ने यहाँ पर मुझे स्वागत किया अच्छे से, तो नींद आ जाएगी तो बता दूँगा सुबह नेक्स्ट वीडियो पे। अभी के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट।